तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं जो इस दूरदराज के इलाके में सालों साल के बाद जहाँ लहरें तो बड़ी हुई है लेकिन सालों साल तक पानी के दर से लहरों नहीं किया, इस बार हमने कोशिश ये की कि लहरों के आखिरी तेल तक पानी पहुंचाया जाए। अब आप देख रहे हैं इस तेल का पानी यहाँ इस लहर में आज से पहले पानी कितने साल पहले आया था? 25 साल पहले। अब 25 साल तक इस इलाके में पानी न पहुंचना ये मतलब नहीं कि पानी था नहीं, पानी था लेकिन उस पानी का जो प्रबंध करना चाहिए था जो हमारे पिछली सरकारों ने इसको ध्यान नहीं दिया उस नाते से हमने ध्यान नहीं करके हमने कहा जो हमारी 1300 तेल जहाँ 25-25 साल से पानी नहीं पहुंचा उन सब तेल पर पानी पहुंचाना है। आज वो 1300 में से 1200 तेल पर पानी पहुंच गया, 100 तेल अभी आज भी बची है क्योंकि उसमें कहीं खराब हो चुकी है नहरें, उन नहरों की मरम्मत कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार इस सीजन के बरसात के आखिर तक हर एक नहर की टेल तक पानी पहुंच जाए, हर छोटी बड़ी नहर तक। इसलिए आज केवल इस काम को देखने के लिए मैं आया हूँ और क्योंकि मुझे भी लगा कि आखिर इतना बड़ा काम हुआ तो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा जाए। आज मैं समझता हूँ इस काम को इस कारण ने किया है और वादा करता हूँ कि आगे लगातार ये पानी चलता रहे, कम से कम पीने के पानी की सुविधा आदमियों को पीएगी पशुओं को पीएगी ये तो एक प्रकार से सुनिश्चित करेंगे। आप जब ये पानी आया बरसात के दिनों में चाहे 3-4 महीने आए अपने तालाब सारे भर के रखो, अपनी बावड़ियां भर के रखो, नए तालाब खोल लो जाए ताकि आपको भी उस पानी को इकट्ठा करने के बाद और कई महीनों तक उसका लाभ हो सके। और अगर पानी ज्यादा हो जाए तो उस पानी से फिर सिंचाई भी करना, उस सिंचाई के अंदर माइक्रो इरिगेशन तबके की सिंचाई फुहारे की सिंचाई जो आज आप ट्यूबवेल से करते हो ट्यूबवेल से करने के बजाय ये पानी आपको मिले इस पानी से करोगे तो धरती माता का जो अंदर का पानी हम खींच रहे हैं क्योंकि अंदर का पानी खींचेंगे तो चुहा बहुत नीचे चला जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे आपको ऊपर जमीन के ऊपर ये बरसात के दिनों में 3-4-5 महीने पानी दे सके ताकि इसका आप उपयोग करो, यही आज का हमारा एकमात्र उद्देश्य था। आप लोग यहाँ आए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।